गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे एज यूजुअल वी विल स्टडी योर स्टूडेंट एडवाइजर बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज सेकंड विथ सम थ्योरी पार्ट. ठीक है, वी हैव स्टडीड हाउ दिस चैप्टर यूजफुल टू डेली लाइफ एंड फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शन लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्जन. देन वी स्टडीड कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इंटू लाइक फ्रैक्शन, एंड देन वी discussed about unit fractions. So we will start today with example number first, and which is convert the unlike function into like function, which you have learnt in the previous video, but this example will done in this video. And then we will study the comparing fraction, comparing two fraction. We can compare the fractions if they have the same denominator. I will teach you this. मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अपने पास दो fractions हैं 2/3, 4/3, 5/3 और उनके डिनोमिनेटर सेम है. तो डिनोमिनेटर अपने पास सेम है ना, तो न्यूमरेटर को देखेंगे अपन. की पहली बात तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, जैसे ये है फ्रैक्शन 7/3, 3/4, 2/6, तो इनके ना तो ये न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, कुछ सेम नहीं है. इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे 5/3 सबसे बड़ी है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4/3, फिर 2/3, तो 5/3 सबसे बड़ी, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये और न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा. ठीक है, तो अपन ने फ्रैक्शंस एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं. तो फ्रैक्शंस पढ़े थे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जब बी जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी, होल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, माइनस में नहीं हो सकते. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर तो होता है स्मॉलर और डिनोमिनेटर होता है ग्रेटर. व्हेन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दिस विल गेट प्रॉपर फ्रैक्शंस. मतलब बड़ा तो नीचे बैठा है और बड़े के ऊपर छोटा बैठा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, कि छोटे के ऊपर बड़ा बैठ गया, या फिर इक्वल इक्वल, जैसे जो अपन क्या कह सकते हैं इसको, कि जो डिनोमिनेटर है वो तो छोटा है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है. मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और दैट कैन बी इक्वल, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है कि होल, जो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का. जैसे ये तो होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/2, 3/4 वगैरह. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. अब क्या था? कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. इसके लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कि वो एलसीएम कितनी बार में आ रहा है उस डिनोमिनेटर के टेबल में. उसको ऊपर नीचे दोनों से इनटू कर देते हैं और जो डिजिट आती है वो कन्वर्जन हो जाता है. मतलब जो फ्रैक्शन आता है वो कन्वर्जन हो जाता है. यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शन होते हैं जिनके जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज वन होते हैं. जिनके न्यूमरेटर वन होते हैं वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं. अब अपन करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, विच इज कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/24 इनटू लाइक फ्रैक्शन. 3/8 एंड 5/24 को अपन को लाइक फ्रैक्शंस बनाना है या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो पहले तो अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे. क्या है 8 और 24, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, ये ठीक है. 2 से वापस जाएगा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से वापस जाएगा 1 और 2 3 जा 6. अब ये तो 1 बन गया, ये 3 है, 2 मतलब 3 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा 1 1, तो एलसीएम इक्वल टू आ गया 2 × 2 × 2 × 3, तो क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एलसीएम आ गया 24. अब 3/8 है, 3/8 का क्या करेंगे, 3/8 × किससे करेंगे, 8 को, 8 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 3 जा 24 होता है, तो 3, अब जो नीचे किया है ऊपर भी करना है, तो इक्वल टू 3 3 जा 9, 8 3 जा 24. न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू होंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू होंगे. अब 5/24 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 1 नीचे किया है तो ऊपर भी, 5 1 जा 5 24 1 जा 24. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये अपने क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन हो गया. इसका भी 24, इसका भी 24, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो ये क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस. अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या अपने पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को अपन को कंपेयर करना है. तो पहली बात तो क्या, कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे इनके डिनोमिनेटर सेम है,
ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है वो ही बड़ा फ्रैक्शन है, जैसे 9/3, इसमें ये न्यूमरेटर बड़ा है सबसे, 7, 4, 1 से 9, तो इसमें क्या है सबसे बड़ा फ्रैक्शन 9/3, फिर कौन सा है 4 और 1 से 7/3 बड़ा है, फिर 4/3, फिर 1/3। ठीक है, अब अपन को क्या दिया हुआ है, कंपेयरिंग हैविंग सेम न्यूमरेटर्स, ये तो बात हो गई जब अपने डिनोमिनेटर सेम थे, ये क्या थे सेम डिनोमिनेटर। अभी होमवर्क में आपको लास्ट में बता दूंगी कि होमवर्क में आपको एक्चुअली करना क्या क्या है, तो मैं बता के ही चलती हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट सबको होमवर्क में करना है, होमवर्क कॉपी में सबके एग्जाम्पल फर्स्ट होना चाहिए, एग्जाम्पल 1 होमवर्क में करना है, सब लिख लेना इसको होमवर्क में, इस एग्जाम्पल फर्स्ट को सब लिख लेना। फिर ये कुछ नहीं करना है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ये खाली समझाने के लिए है। फिर अपन जो एग्जाम्पल्स आते रहेंगे उनको ही होमवर्क कॉपी में करेंगे, जो एग्जाम्पल 2 अब आएगा उसको भी अपन होमवर्क कॉपी में उतारेंगे, तो ठीक है। अब क्या है कि अगर सेम न्यूमरेटर आ जाए तो ये सब लाइक फ्रैक्शंस है, देखो लाइक फ्रैक्शंस है ये सब, 3, 3, 3, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या होंगे लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन मतलब सेम डिनोमिनेटर। और इनको कंपेयर कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर जो सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वही सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। अब सेम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सेम न्यूमरेटर क्या, जैसे 3/7, 3/6, 3/8, 3/4, ये क्या होंगे इनके, ये क्या है सेम न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन, सेम न्यूमरेटर, ये लाइक फ्रैक्शन है क्या, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है ये तो इनको कैसे अपन कंपेयर करेंगे, इनमें कौन बड़ा होगा इनमें कौन छोटा होगा, तो इनमें उल्टा होता है, ध्यान रखना। अगर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन खुश रहते हैं, अब लाइक फ्रैक्शन खुश रहते हैं मतलब जो बड़ा होता है उसको ही बड़ा दिखाते हैं, जैसे 9/3 बड़ा था, 9 बड़ा था तो 9/3 भी बड़ा हो गया फ्रैक्शन। पर ये जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं ये सेम न्यूमरेटर तो है इनमें, पर ये फिर भी अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि अनलाइक लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इनमें न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन खुश नहीं होते, वो उल्टा काम करते हैं हमेशा। उल्टा काम क्या करेंगे ये कि इनमें से जो सबसे छोटा होगा, ये न्यूमरेटर तो सेम है डिनोमिनेटर देखे तो जो सबसे छोटा होगा, ये 3/4 है, जैसे 8/7, 6/8 से 4 छोटा है तो 3/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा इसमें, फिर 3/6 होगा, फिर 3/7 होगा, फिर 3/8 होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो सेम डिनोमिनेटर वाले होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन हमेशा खुश रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं जो बड़ा होता है, जो सब न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर होता है उसको ही ग्रेटर फ्रैक्शन शो करते हैं। पर सेम न्यूमरेटर, अगर सेम न्यूमरेटर आ जाए तो सेम न्यूमरेटर वाले अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या करते हैं कि उल्टा काम करते हैं, ये खुश नहीं होते, उल्टा काम कर देते हैं, ये जो सबसे छोटा होता है, जैसे ये 4 सबसे छोटा है 6, 7, 8 में, न्यूमरेटर तो सेम ही है इनके, उनको तो कंपेयर कर नहीं सकते, 4, 6, 7, 8 में सबसे छोटा कौन है 4, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, इसने क्या किया छोटे को सबसे बड़ा बता दिया, मतलब ये उल्टा काम करते हैं। अब क्या है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी करना है सबको होमवर्क में, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 है विच ऑफ दीज इज ए ग्रेटर फ्रैक्शन, 7/4, 7/8, और एग्जाम्पल जो है उसका क्वेश्चन उतारना है, इसमें भी पहले क्वेश्चन उतारना है, कन्वर्ट दी अनलाइक फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/24 इंटू लाइक फ्रैक्शन, फिर आंसर लिखना है, ऐसे इसमें भी क्वेश्चन उतारना है एग्जाम्पल 2 में, विच ऑफ दीज इज ए ग्रेटर फ्रैक्शन, मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन कौन से हैं, तो 7/11। अब अपन देखेंगे इसका आंसर लिखेंगे अपन, ये सबको होमवर्क में करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल है, पहले तो एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 करना है सीधा ही। तो क्या है ये, इसमें क्या है 7, 7, 7, ये ऊपर वाले क्या होते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले होते हैं डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले सेम है मतलब न्यूमरेटर सेम है, मतलब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का कोई वास्ता नहीं होता अनलाइक लाइक फ्रैक्शन से, डिनोमिनेटर देखते हैं अपन तो इसमें डिनोमिनेटर तो अलग अलग है मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर क्या है सेम है, तो इनको अपन कंपेयर तो एटलीस्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए अपन क्या करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन खुश नहीं होते उल्टा काम करते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 7/4, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 4, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है खुश नहीं रहते, 7/8 और 7/11, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा हो गया, और अगर लाइक फ्रैक्शन होते डिनोमिनेटर सेम होता जो सबसे बड़ा है वो ही सबसे बड़ा रहता। ठीक है, ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, सबको समझ में आ गया होगा आई होप दैट। अब क्या है अपने पास नेक्स्ट,
कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन विद अनइक्वल डिनोमिनेटर एंड अनइक्वल न्यूमरेटर, मतलब अब क्या है अपने पास कि न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है. कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर, लिखना नहीं है किसी को भी, ये कल समझाने के लिए है. एंड डिनोमिनेटर, पहले तो ये सबके दिमाग में सेट होनी चाहिए एकदम बात, कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब अब क्या है अपने पास न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल लें तो 3/7 ले लिया, 4/8 ले लिया, 5/9 ले लिया. अब इसमें क्या है, ये डिनोमिनेटर भी अलग अलग है और न्यूमरेटर भी अलग अलग है. अब इसको अपन कंपेयर कर नहीं सकते इस फॉर्म में, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस में. ठीक है, अगर अपने पास ये आ जाए, देखो दो तीन चीजें होती है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बढ़िया बात है कि लाइक फ्रैक्शंस है, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा. फिर सेकंड बात होती है कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है. न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला अलग अलग है, उसमें क्या होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाता है. ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर देखते हैं, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा. तीसरी बात क्या होती है कि अपन को कंपेयर करना है ऐसी फ्रैक्शंस को जिनके न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है. अब क्या देखोगे, एक चीज सेम हो, किसी में न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर देख लेंगे, किसी में डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर देख लेंगे. पर अगर ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट है डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो क्या देखोगे, कंपेयर किससे करोगे? तो पहले अपन को इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अपन ने सीखा था लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ऐसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जितने भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं. तो इनको पहले अपन क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो 7/8 लाइन का एलसीएम ले लेंगे, 7/8 9 का एलसीएम ले लेंगे. तो 2/7/4/9, ये 7 में जाएगा नहीं, 2/4 जाएगा 8, 9 में जाएगा नहीं, 2/7/2/9, फिर 2/7/1/9, अब 3/7/1/3, क्योंकि 7 में तो जाएगा नहीं, 3 में 3 का भी, तो 3/7/1/1 और 7 में 7 का जाएगा. तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7. ठीक है, ये हो गया अपने पास एलसीएम. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 × 7. तो 9 × 8 = 72 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49 + 1 = 504. ठीक है, तो अब 3/7 को अपन कन्वर्ट कर देते हैं. तो 3/7 × क्या करें, अब 7 की टेबल में तो इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं, तो 7 को किससे इंटू करें कि ये आ जाए, 7 को किससे इंटू करें कि ये आ जाए, तो 504 में 7 का डिवाइड दे दो, 7 × 7 = 49, 1 × 4 = 72, 72, तो ऊपर भी नीचे 72, नीचे भी 72. ऐसे ही क्या होगा, 4/8, तो 4/8 × अब इसमें भी नहीं जाएगा, तो 504 में 8 का भाग दे दो, 8 का डिवाइड दे दो, क्या हो गया, 8/5 = 40, 8/6 = 48, −2 = 4, 8/3 = 24, 0, 63. ऊपर नीचे किसका कर देंगे, 63 का, और फिर क्या है, 5/9, 9 में डिवाइड, 9 का डिवाइड दे दो 504 में. ये भी करना नहीं है किसी को कॉपी में, ऐसा लिख, हम समझाने के लिए है, करना केवल ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है. तो 9, 9/5 = 45, 50 × 5 = 9, 7 × ये क्या लिखा था, 9/5 = 45, 9/7 = 54, सॉरी 9/6 = 54. तो 56 × 56 का कर देंगे. अब देखो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे, फिर जो डिजिट्स आगे आ जाएगी, तो ये क्या होगा, ये तो 504 हो जाएगा सब.
ठीक है, और ऊपर जो डिजिट आएगी उनको कंपेयर कर लेंगे। अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लाइक फ्रैक्शन बन गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए मतलब खुश है। तो जो बड़ी जो बड़ा नंबर आएगा वही बड़ी डिजिट हो जाएगी, जो बड़ा नंबर आएगा वही बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये अपन 789 ले लिए तो 504 आ गया, तो बड़ी हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, आपको बुक में इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। अब बुक वाला देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर, आई होप कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपने कॉपी में अपने में कर लिया होगा। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है कंपेयर 5/9 एंड 7/11। कंपेयर करना है किस किस को, दो फ्रैक्शन को करना है, 5/9 एंड 7/11। कंपेयर फाइव बाई नाइन एंड सेवन बाई इलेवन, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम निकालेंगे 9 और 11 का। टू में, टू का तो किसी, 9 में भी नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 9 में, 11SI, 3 का जाएगा 3 में, 11SI, फिर 11 का तो 11 में ही जाता है। तो एलसीएम क्या हो गया अपने पास, 3 × 3 × 11, 3 × 3 = 9, 11×9 = 99। अब क्या होगा, 5/9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5/9 × ठीक है, तो 9 का 99 कितनी बार में आता है 9 की टेबल में, 9 × 9 = 9, 9 × मतलब अब सीधा तो आता नहीं, 9 × 10 = 90 हो जाते हैं, 90 से बड़ा है 99 तो सीधा तो आता नहीं है 9 की टेबल में, तो डिवाइड करके देख लो, 9 × 9 = 9, 9 × 9 ठीक है, तो 11 आ गया, 11 से ऊपर भी नीचे भी। तो अब क्या हो गया, 11×9 = 99, 11×5 = 55। अब 7/11 को चेंज करेंगे तो 7/11 × 2, 99 कितनी टाइम, कितने टाइम, ये कितने टाइम्स में आता है 11 के टेबल में, तो 11×9 = 99, तो 11×9 = 99, 9×7 = 63, 7×9 = 63, जो भी बोलो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अपने पास दो डिजिट, ये दो फ्रैक्शन आ गए, 55/99 और 63/99। तो अब अपन को क्या दिख गया है कि डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन से जो बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो 63 बड़ा होता है 55, अब ऑफकोर्स 63 बड़ा होता है, तो 63/99 इज ग्रेटर देन 55/99। तो अपन 63/99 को क्या लिख सकते हैं, 7/11, तो 7/11 इज ग्रेटर देन 55/99, क्या था 5/9, तो इसमें क्या आ गया, 7/11 इज ग्रेटर देन 55/9। सबको समझ में आ गया, देखो तीन चीजें होती है, फिर बता रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन से, लाइक फ्रैक्शन है तो हैप्पी फ्रैक्शन है वो, तो हैप्पी फ्रैक्शन क्या होते हैं कि अगर है ना अपने अपने पास जो भी जो ग्रेटर, जैसे डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो ग्रेटर न्यूमरेटर है वो ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा दूसरा केस आता है अपने पास कि है ना ये डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाले सेम है नीचे वाला अलग अलग है, तो अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हैप्पी नहीं होते। उनमें क्या होता है कि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को कैसे कंपेयर करते हैं, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, जो डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलर होता है, जो डिजिट सबसे स्मॉलर होती है न्यूमरेटर में, उसको ही अपन सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कह देते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, किसके हिसाब से कंपेयर करोगे, तो इसमें क्या होता है उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ता है। पहले एलसीएम लेते हैं, फिर जो एलसीएम आता है उसको देखते हैं कि कितनी बार में आ रहा है, कितने टाइम्स में आ रहा है, और अगर सीधा टेबल में नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो इसका। तो ठीक है, अब ये 11 times में आता है तो 11/11 कर दिया तो ये आ गया, और ये 9 times में आता है 9/9 कर दिया ये आ गया। अब क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, डिनोमिनेटर सेम है, जो सबसे बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो 63/99 ग्रेटर हो गया 55/99 से। अब 63/99 को क्या लिखा था, 7/11, और 55/99 को किससे लिखा था, 5/9, तो 7/11 इज ग्रेटर देन 5/9। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने किया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसका एक और इसमें जो मेथड दिया हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको एक मेथड सिखाया है, वो कैसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो सबकी कॉपी में होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए, 1, 2, 3 वाला। बाय।